महाराष्ट्र कैबिनेट में आज कुछ नेम बोर्ड, मराठी साइन बोर्ड के ऊपर कुछ नया एक नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं, जिसमें मराठी साइन, मराठी लेटर दुकान के ऊपर, पाटिया के ऊपर बड़े अक्षर में लिखे जाए। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2001 में याचिका डाली थी, जिसमें एक स्टे ऑर्डर दिया गया था फंडामेंटल राइट के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, कि ये हमारी दुकानों को तय करना है। मराठी साइन बोर्ड हम रखते हैं, मराठी लैंग्वेज का हम महाराष्ट्र में रहते उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर दूसरी कोई लैंग्वेज में, अंग्रेजी में हो और अंग्रेजी में बड़ा हो, तो वो हमें रखने का हमारा अधिकार है। तो उसी के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया गया था। हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हर एक किस्म के लोग आते हैं, और ऐसे टाइम में जहां पैंडेमिक का दौरान में दुकानदारों को काफी सारे नुकसान हुआ है, 2 साल तक उनकी, उनको रेंट नहीं भर पाए, लोगों को पगार नहीं दे पाए, ऐसे समय में इस प्रकार का असेंबली में बिल लाना तो ये दुकानदारों के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो सरकार से हमारा गुजारिश है कि दुकानदारों को ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए।